अगर हम स्क्विंट के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी लोगों को यह मिथ होता है कि हर स्क्विंट का ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी से ही हो सकता है। तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका हम ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ क्लासेस से कर सकते हैं। कुछ ऐसा भी एक सेगमेंट होता है जिसमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी प्लस क्लासेस से हम ठीक कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी सेगमेंट होता है जिसको सिर्फ सर्जरी ही रिक्वायर्ड रहती है। फिर एक कॉमन लोगों का डाउट होता है कि व्हाट एज वी शुड गेट द चेकअप डन, किस एज में चेकअप किया जाए। तो जितना जल्दी ये चेकअप स्टार्ट हो उतना जल्दी ये ट्रीटमेंट स्टार्ट होना चाहिए। एज अर्ली एज 3 to 6 months में पहला चेकअप हो जाना चाहिए ताकि हम जल्दी डिटेक्ट कर सकें। ग्लासेस अगर रिक्वायर्ड हो या लेजी आई हो उसका ट्रीटमेंट हम जल्दी शुरू कर सकें। और स्क्विंट की सर्जरी हम 1 साल से कम उम्र से लेके बड़ों में किसी भी एज तक करते हैं और एज कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। फिर एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है, क्वेश्चन रहता है कि इसके अर्ली सर्जरी अगर नहीं होती तो उसके क्या फ़ायदे या नुकसान हैं। तो सबसे पहला मेजर नुकसान होता है कि इसके कारण से लेजी आई हो सकती है और लेजी आई के कारण से भी स्क्विंट हो सकता है। अगर हम अर्ली चेकअप करा के अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम लेजी आई बचा भी सकते हैं और उसका अर्ली ट्रीटमेंट करके हम एक अच्छी विजन दोनों आँखों की दे सकते हैं, जिससे बाद में कोई मेडिकल डिसेबिलिटी भी नहीं बनती और उसके कारण से कहीं जॉब्स के लिए वो अनफिट भी नहीं होते। दूसरा एक मेजर डिसएडवांटेज रहता है बाय डिले ऑफ सर्जरी कि उनकी 3D विजन कम हो जाती है। जैसे हम आम लोगों में देखते हैं, जैसे हम ग्लास में पानी डालते हैं तो ग्लास की डेप्थ परसीव करने में दिक्कत आती है जिनकी 3D विजन कम हो। तीसरा एक मेजर प्रॉब्लम जो इन लोगों में आती है जो डिले करते हैं, उनमें एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आ जाते हैं। वो आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाते हैं तो उनको एक अंदर से ही अंडर कॉन्फिडेंस रहता है या लो ऑन कॉन्फिडेंस रहते हैं और ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं बना पाते। जॉब्स में भी दिक्कत आती है, मैरिटल इश्यूज भी रहते हैं, डिले इन मैरिज कॉमन प्रॉब्लम रहती है। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण से वो कई बार डिप्रेस्ड भी रहते हैं जो कि हम कॉमनली देखते हैं। होपफुली ये सब जो हमने आपको नॉलेज दी आपके लिए यूजफुल रही होगी और अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स या और भी किसी को आप उनसे शेयर करेंगे। और जिन लोगों को ये समस्या हो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि वो इसका एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट एट एन अर्ली एज अचीव कर सके। और भी आपको अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।